दोस्तों जब भी आप कोई बाइक को परचेज करने का मन बनाते हैं तो आप में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी ले। एक ही सेगमेंट में बहुत सारा बाइक है तो कौन सा बाइक को ले। तो यहाँ पर हम 160 के सेगमेंट में NS160 और N160 का कंपैरिजन वीडियो लाए हैं कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा बाइक आप पर सूट करेगी, कौन सी आपको परचेज करनी चाहिए, N160 या फिर NS160। दोनों का काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर कंपैरिजन बताने वाले हैं, दोनों की भर भर के फ्यूचर हम बताने वाले हैं, क्या आपके लिए सूटेबल है, पूरा डिटेल्स में आज की वीडियो में आपको जानकारी वाला है। वीडियो काफी अच्छा हुआ दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोनों ही बाइक 2024 की है, तो देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास NS160 लगी है 2024 मॉडल और यहाँ पर हमारे पास N160 लगी है 2024 मॉडल। ये USD न्यू वाला N160 है और ये आपका ब्लूटूथ वाला NS160 है। दोनों ही 2024 की बाइक है और दोनों में काफी जबरदस्त कंपेरिजन आज की वीडियो में आपको बताने वाले दोस्तों। सबसे पहले ये व्हाइट कलर की है और ये ब्लैक कलर के, दोनों में आपको चार चार कलर का ऑप्शन मिल जाता है। हमारे श्रीराम बजाज शोरूम में जो कि दुमका में है, गौशाला रोड के सामने, मोबाइल नंबर भी फ्लैश हो रहा है, आप फोन करके और भी डिटेल्स में यहाँ जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम दोनों की फ्रंट से शुरुआत करते हैं तो देख पा रहे हैं यहाँ पर NS160 में आपको एक वाइजर वाला फ्रंट लुक मिल जाता है और DRL दो इलेक्ट्रिक आकार के मिल जाते हैं। फुल्ली LED में आपको हेडलैम्प मिल जाता है, लेकिन वहीं पर अगर आते हैं तो यहाँ पर N160 में आपको कोई भी विंडशील्ड वगैरह नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने का एक मिल जाता है क्लैंप और यहाँ पर बाई फंक्शनल LED हेडलैम्प आपको मिल जाता है। डोर DRL जो मिलते हैं वो साइड में आपको इस प्रकार से मिल जाते हैं। नीचे मडगार्ड की बात करें तो N160 में आपको ग्लोस एंड फाइबर मेट के साथ काफी अच्छा कॉम्बिनेशन वाला दो आकार में मडगार्ड आपको मिल जाता है। और वहीं पर अगर हम NS160 की बात करें तो यहाँ पर एक ही मडगार्ड आपको मिलता है लेकिन फाइबर में, और इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, सॉफ्ट है। दोनों ही बाइक में डुअल चैनल ABS आपको आ जाता है। और इसकी फ्रॉक की बात करें तो दोनों में USD फ्रॉक आपको जाता है। यहाँ NS160 में भी USD मिलता है और N160 में भी USD मिल जाता है। यहाँ पर कोई भी डिफरेंस फ्रंट में नहीं है, मिलता है दोस्तों। अगर इसकी डिस्क ब्रेक की बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 300 mm का डिस्क ब्रेक N160 में आपको मिल जाता है और यहाँ पर NS160 में भी आपको 300 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है। डुअल चैनल ABS इसमें भी मिल जाता है, ये ABS के प्लेट आपको मिल जाता है और डुअल चैनल ABS इस बाइक में भी आपको मिल जाता है। N160 में भी मिलता है और ABS का प्लेट आपको मिल जाता है। क्रीमिका के क्लेवर N160 में भी आपको मिल जाता है और क्रीमिका के क्लेवर NS160 में भी आपको मिल जाता है। दोनों ही बाइक में आपको क्रीमिका के क्लेवर मिल जाता है। दोनों ही बाइक की अगर फ्रंट की बात करें टायर की, तो यहाँ पर 80/100/17 का ट्यूबलेस आपको मिल जाता है और NS160 में भी 80/100/17 का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। दोनों ही बाइक में आपको सेम टायर मिल जाता है, सेम साइज मिल जाती है और सेम 17 इंच की अलॉय दोनों ही बाइक में आपको मिल जाती है। फ्रंट में कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नजर नहीं आया दोस्तों। तो डिफरेंस यहाँ पर काफी ज्यादा नजर आ रहा होगा दोस्तों। अगर सीट कम्फर्ट की बात करें तो NS160 के देख पा रहे हैं यहाँ पर सीट आपको 800 mm की हाइट मिल जाती है, सीट कंफर्ट इस बाइक में आपको अच्छा मिल जाता है। और वहीं पर N160 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका सीट कुशन थोड़ा सा NS से ज्यादा आपको लचीला मिल जाता है और 795 mm का सीट हाइट आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर डुअल ग्रैब हैंडल आपको मिल जाता है N160 में और यहाँ पर भी डुअल ग्रैब हैंडल आपको NS160 में आपको मिल जाता है। अगर पीछे की टायर की बात करें तो दोनों ही बाइक में आपको सेम टायर साइज मिल जाता है। यहाँ पर 130 mm का टायर NS160 में आपको मिल जाता है, N160 में भी आपको 130 mm का टायर मिल जाता है। दोनों ही बाइक 17 इंच की अलॉय व्हील आ जाती है और N160 में आपको 230 mm का पीछे में डिस्क ब्रेक मिल जाता है, ABS भी मिल जाता है और NS160 में भी आपको पीछे में डिस्क ब्रेक मिल जाता है 230 mm का और पीछे में भी ABS आपको मिल जाता है। दोस्तों अगर बात करें पीछे की सस्पेंशन की तो यहाँ पर आपको मोनोशॉक सस्पेंशन N160 में भी मिल जाता है, मोनोशॉक सस्पेंशन NS160 में भी आपको मिल जाता है। दोनों ही बाइक में सेम पीछे में सस्पेंशन मिल जाता है, तो यहाँ पर भी आपको डिफरेंस नहीं नजर आया है दोस्तों। पीछे की टेल लैंप की बात करें तो यहाँ पर देखिए टेल लैंप यहाँ पर LED में मिल जाता है, थोड़ा सा डायमंड कट थोड़ा सा अलग डिजाइन में आपको मिल जाता है। यहाँ पर NS160 में जो पहले वाला टेल लैंप आता है सेम आपको यहाँ पर मिल जाता है और दोनों ही LED में टेल लैंप आपको मिल जाता है। साइड इंडिकेटर की बात करें यहाँ पर भी नॉन फ्लेक्सिबल ब्लिंकर आपको मिल जाता है N160 में और NS160 में भी नॉन फ्लेक्सिबल ब्लिंकर आपको मिल जाता है। एक यहाँ पर लैंप मिलता है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट दर्शा पाएंगे, रिफ्लेक्टर आपको मिल जाता है NS160 में, साइड में रिफ्लेक्टर मिल जाता है। वहीं पर अगर हम N160 की बात करें तो यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर मिलता है, यहाँ पर एक लैंप मिलता है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट दिखा सकते हैं लेकिन साइड में कोई भी रिफ्लेक्टर नहीं मिलता है दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस नजर आया। अब बात कर लेते हैं दोनों ही बाइक की पावर की। तो NS160 में आपको 160.3 cc का ऑयल कूल, गौर से सुनिएगा, ऑयल कूल फोर स्ट्रोक फोर व्हील
F5 इंजन DTSI वाला इंजन आपको मिल जाता है। डुअल स्पार्क प्लग वाला इंजन आपको NS160 में मिल जाता है, जिसका पावर है दोस्तों 17.2 PS का पावर जनरेट कर लेता है 9000 RPM पर और 16.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है दोस्तों 7200 RPM पर। और वहीं पर अगर हम N160 की बात करें तो यहाँ पर आपको 164.82 CC का, देखिए वहां पर 160 था, यहाँ पर 164 है, तो N160 में CC आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। 164.82 CC का इंजन आपको मिल जाता है, 16 PS का पावर जनरेट कर लेता है दोस्तों 8700 RPM पर। देखिए NS160 से यहाँ पर पावर आपको कम मिल जाता है, 16 PS का पावर जनरेट करता है 8750 RPM पर और 14.65 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट कर लेता है 6700 RPM पर। टॉर्क ठीक है, पावर थोड़ा सा कम आपको मिल जाता है N160 में दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, ये जो बाइक है आपको ऑयल कूल वाली आती है NS160, और N160 जो है पहले ऑयल कूल आती थी, लेकिन अब यहाँ पर ऑयल कूल हटा दिया गया है, ऑयल कूल के जगह में एयर कूल वाली बाइक आ जाती है। यहाँ पर DTSI भी यहाँ पर हटा दिया गया है और यहाँ पर देखिए एयर कूल के साथ ये बाइक आती है, क्योंकि कंपनी का कहना है कि USD सस्पेंशन जब से आने लगा है तब से जो है यहाँ पर रेडिएटर में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, इसकी वजह से ये बाइक ऑयल कूल वाली नहीं आती है। अब बात कर लेते हैं दोनों ही बाइक की मीटर कंसोल की, देखते हैं कि यहाँ पर डिफरेंस है कि नहीं। तो ये N160 का मीटर कंसोल है दोस्तों, देख पा रहे हैं यहाँ पर फुल्ली LED में आपको मीटर कंसोल मिल जाता है, ब्लूटूथ कॉल अलर्ट SMS अलर्ट इस बाइक में आपको मिल जाएगा और टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको मिल जाएगा, GPS मिल जाएगा और इस बाइक में आप कॉल उठा सकते हैं, SMS उठा सकते हैं, गियर पोजीशन इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। और वहीं पर इसकी मोड की बात करें तो इस बाइक में तीन आपको मोड मिल जाएगा, जिससे कि एक रेन मोड हो गया, एक ऑफ रोडिंग मोड हो गया, एक स्पोर्ट मोड हो गया। बारिश के मौसम में आप चला रहे तो रेन मोड कर लीजिए, अगर स्पीड चला रहे तो आप जो है स्पोर्ट मोड कर सकते हैं। इस बाइक में आपको यहाँ पर ट्रिप 1 ट्रिप 2 भी मिल जाएगा, किलोमीटर मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगी, बाकी बहुत सारा फंक्शन इस बाइक में आपको मिल जाता है मीटर कंसोल में। और यहाँ पर आपको एक मोबाइल चार्जिंग का पोर्ट मिल जाएगा N160 में। इस बाइक की जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 14 लीटर की आ जाती है। और अगर इसकी हैंडलिंग पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये नीचे से लगभग 2 इंच की हाइट में मिल जाती है। स्विचेज की बात करें तो यहाँ पर आपको ये पासिंग स्विच है, यहीं पर हाई बीम लो बीम आपको मिल जाता है। देखिए इसका विजिबिलिटी है इस प्रकार से, काफ़ी अच्छा है देखिए। और यहाँ पर मोड का बटन मिल जाता है, ये साइड इंडिकेटर आपको मिल जाता है, ये हॉर्न मिल जाता है, हॉर्न काफ़ी ज़बरदस्त लाउड आपको मिल जाता है, ये इंजन स्टॉप स्विच आपको मिल जाता है, यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्विच मिल जाता है, ये बाइक स्टार्ट हो गई साउंड आपको सुना देते हैं, ये आपका हेडलाइट का स्विच मिल जाता है, DRL का स्विच मिल जाता है, थोड़ा सा साउंड सुनाते हैं। इस बाइक में अंडर वैली एग्जॉस्ट आपको मिल जाता है देखिए। और अब आते हैं NS160 के मीटर कंसोल की तरफ, तो देखिए क्या मीटर कंसोल पर इस प्रकार से है, यहाँ पर बीच में अलग से एक डिज़ाइन मिलती है। और वहीं पर अगर हम NS160 की मीटर कंसोल की बात करें तो देखिए इसका भी मीटर कंसोल में आपको सेम आपको फंक्शन मिल जाता है, यहाँ भी आपको मोड वाला बटन मिल जाता है, ब्लूटूथ मिल जाती है, गियर पोजीशन इंडिकेटर NS160 में भी आपको मिल जाएगा और कॉल अलर्ट SMS अलर्ट आप कर पाएंगे, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर दो आपको बटन मिल जाता है, एक मोड का एक सिलेक्शन का, और यहाँ पर एक और बटन मिल जाता है जिससे कि इस बाइक की मोड राइडिंग मोड को आप हैंडल कर पाएंगे, जो कि N160 में आपको दिखाया वही चीज़ आपको NS160 में मिल जाता है। यहाँ पर देखिए यह पासिंग स्विच हो गया, ये हाई बीम लो बीम यहीं पर स्विच मिल जाता है। देखिए इसका भी विजिबिलिटी इस प्रकार से, लाइट काफी अच्छी है, ब्रेकिंग सिस्टम भी काफी अच्छा है, ये इसका हॉर्न है, बैटरी लो है इसकी वजह से हॉर्न काफी अच्छा से नहीं बच पाया, ये स्विचेज हो गया, इंजन स्टॉप स्विच यहाँ पर मिल जाता है, इंजन किल स्विच, यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्विच मिल जाता है, बाइक बैटरी लो है स्टार्ट नहीं होगी, ये इसका DRL का स्विच हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर एक मोबाइल चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है। अगर इस बाइक की हैंडल पोजिशन की बात करें तो डुअल बार में हैंडल बार आपको मिल जाता है, क्लिप ऑन हैंडल बार, और नीचे से लगभग आपको 5 इंच की हाइट मिल जाती है। बात करें दोनों ही बाइक की अगर हम डायमेंशन की तो यहाँ पर लेंथ आपको 2017 mm NS160 में मिल जाता है, 804 mm विड्थ मिल जाती है, हाइट 1060 mm आपको मिल जाता है और 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको NS160 में मिल जाता है और 152 kg की ये बाइक आ जाती है NS160 और व्हील बेस 1300
72 mm आपका मिल जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें N160 की, तो N160 का जो व्हील बेस है आपको 1348 mm मिल जाता है। इस बाइक की हाइट 795 mm आपको मिल जाती है। 152 kg की बाइक आ जाती है। NS160 और N160 दोनों ही 152 kg की आ जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस में यहाँ पर आपको NS160 से थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस कम मिल जाता है। यहाँ पर 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जबकि NS160 में 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। फ्यूल टैंक 14 लीटर की मिलती है और फ्यूल टैंक 12 लीटर की NS160 में मिलती है। तो यहाँ पर भी डिफरेंस थोड़ा बहुत आपको नजर आया होगा। दोस्तों आप बात कर लेते हैं दोनों ही बाइक की माइलेज की। दोस्तों दोनों ही बाइक से आप लगभग 40 का माइलेज सिटी में निकाल पाएंगे, 40 से 45 का, और हाईवे में जो है NS160 से जो है आप 50 का माइलेज निकाल पाएंगे। N160 से भी 48 से 50 का माइलेज निकाल पाएंगे दोस्तों हाईवे में। अब बात कर लेते हैं कंफर्टेबल की, तो NS160 और N160 में दोनों में अगर ज्यादा कंफर्टेबल की बात करें तो हमें लगता है कि NS160 से ज्यादा कंफर्टेबल बाइक है। इसको हमने राइड करके भी देखा है। और एक सबसे बड़ी बात, कंफर्टेबल होने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो आपका इसका हैंडलिंग पोजीशन है। देख पा रहे, हालांकि दोनों ही बाइक में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, लेकिन मोनोशॉक तो स्मूथनेस, राइड और कंफर्टेबल के लिए माना जाता है, लेकिन हैंडलिंग काफी मायने रखती है। दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको कैलिपोन हैंडल बार आपको NS160 में मिल जाता है, जिसके वजह से जो है इसकी हाइट आप देख पा रहे हैं नीचे से आपको 5 इंच की हाइट मिलती है, और जिसकी वजह से ये राइडिंग में जो है काफी अच्छा कंफर्टेबल महसूस देगी। दोस्तों थकान एक जरा सा भी नहीं होगा। आप कितना लंबा सफर आप तय कर लीजिएगा, ना कमर दर्द करेगा, ना ही किसी तरह का थकान महसूस होगा, आप बिल्कुल फ्रेश महसूस करेंगे। वहीं पर N160 की बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे NS के मुकाबले में इसकी जो है कंफर्टेबल उतना अच्छा से नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी राइडिंग पोजीशन, इसमें भी आपको जो है यहाँ पर मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है, लेकिन हैंडलिंग जो है देख पा रहे थोड़ा सा आपको नीचे से 1.5 इंच की ही हाइट मिल जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आगे की तरफ झुकना पड़ता है और इसमें थोड़ा सा आपको थकान हो सकता है। दोस्तों तो कंफर्टेबल के मामले में NS160 आगे निकलती है। दोस्तों मेरी राय में आपको कैसा लगता है आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, कौन सी बाइक आपको पसंद है आप मुझे जरूर बताएं। दोस्तों आप बात कर लेते हैं दोनों ही बाइक की प्राइस की, तो प्राइस में दोस्तों काफी ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ पर NS160 का जो एक शोरूम प्राइस है हमारे दुमका बजाज शोरूम में, जो की है यहाँ पर नेशनल स्कूल के हमने, मोबाइल नंबर ऊपर फ्लैश हो रहा है, फोन करके और भी डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं। तो हमारे दुमका बजाज शोरूम में जो इसका एक शोरूम प्राइस है आपका 1,48,446 रुपया NS160 की एक शोरूम प्राइस है। वहीं पर अगर हम बात कर ले N160 की प्राइस की, तो हमारे दुमका शोरूम में इस बाइक की जो एक शोरूम प्राइस है 1,41,606 रुपया है। तो यहाँ पर प्राइस में आपको लगभग 8,000 का डिफरेंस मिलता होगा। दोस्तों ओनर प्राइस के लिए फोन करके और भी डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं, कौन सी बाइक की आपको प्राइस चाहिए, शोरूम का नंबर फ्लैश हो रहा है, फोन करके ऑन रोड प्राइस पता कर सकते हैं। दोस्तों टॉप स्पीड की बात करें तो दोनों ही बाइक से आप लगभग 125 से 130 का टॉप स्पीड निकाल पाएंगे। NS160 से 130 का टॉप स्पीड निकाल पाएंगे, N160 से 125 से 128 का टॉप स्पीड निकाल पाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो हमारा फेसबुक पे देख रहे हो दोस्तों पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।